लेट्स सॉल्व वन मोर एग्जाम्पल ऑन द कंसेप्ट ऑफ फ्रिक्शन. अब यहाँ पे इस एग्जाम्पल को सॉल्व करने के बाद आपका कंसेप्ट और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा. अब देखिए इस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है. दिस इज 2 kg ब्लॉक विच इज केप्ड ऑन द रफ ग्राउंड विद द कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन 0.8 दिया हुआ है. तो म्यू एस एंड म्यू के दोनों की वैल्यूज होती है 0.8, ये दिया हुआ है. फिर उसके बाद दिस अ टाइम वेरिंग फोर्स विच इज इक्वल टू 2t इज अप्लाइड ऑन दिस पर्टिकुलर ब्लॉक. तो पूछा हुआ है प्लॉट अ ग्राफ बिटवीन एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक वर्सेस टाइम. सो ए वर्सेस टाइम टी का ग्राफ मुझे प्लॉट करना है. सो वेयर ए इज माई एक्सेलरेशन ऑफ दिस 2 kg ब्लॉक. फर्स्ट चीज हम लोग को कैलकुलेट करनी है वो है मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन. तो यहाँ पे एफ मैक्स की वैल्यू होती है दैट इज माई एफ लिमिटिंग फ्रिक्शन विच इज इक्वल टू दिस म्यू एस इंटू नॉर्मल फोर्स. अब यहाँ पे आप देखोगे तो नॉर्मल फोर्स इज इक्वल टू 20. तो नॉर्मल फोर्स की वैल्यू यहाँ पे आती है एन इज इक्वल टू 20. तो यहाँ पे म्यू एस हो गया 0.8 इंटू 20 विच इज इक्वल टू 16 newton. तो मेरा यहाँ पे जो मैक्सिमम फ्रिक्शन फोर्स होगा वो कितना है 16 newton. अब इस ब्लॉक को मूव करने के लिए माई एफ माई एक्सटर्नल फोर्स शुड बी ग्रेटर देन माई लिमिटिंग फ्रिक्शन. और इसकी वैल्यू कितनी है 16 newton. तो मेरा फोर्स विच इज इक्वल टू 2t शुड बी ग्रेटर देन एफ लिमिट विच इज 16. तो टी शुड बी ग्रेटर देन कितना होगा 8 seconds. अब 8 seconds से ज़्यादा टी होगा तभी मेरा फोर्स 16 newton से ज़्यादा होगा. अब जब मेरा फोर्स 16 newton से ज़्यादा होगा तो ये ब्लॉक मूव करेगा. तो मुझे बताओ जब मेरा टाइम 8 seconds से कम था तब मेरा एक्सेलरेशन कितना था. अब टाइम टी इक्वल टू 8 सेकंड से कम है तो मेरा जो फोर्स होगा दैट इज लेस देन 16 newton, दैट इज लेस देन माय मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन. तो यहां पे एक्सेलरेशन की वैल्यू होगी 0. तो टाइम टी इज लेस देन 8 सेकंड्स, माय एक्सेलरेशन इज 0. जब टाइम टी इज ग्रेटर देन 8 सेकंड्स, जब मेरा टाइम टी का वैल्यू ग्रेटर देन 8 सेकंड्स है तो यहां पर ब्लॉक मूव करने चालू करेगा. अब मैं FBD निकालता हूं तो ये हो गया मेरा 2 kg ब्लॉक. अब इस 2 kg ब्लॉक के ऊपर मेरा फोर्स है 2t. अब फॉर टी ग्रेटर देन 8 सेकंड, जब मेरा फोर्स ग्रेटर देन 16 newton है सो दिस ब्लॉक स्टार्ट्स मूविंग. अब यहाँ पे जो फ्रिक्शन आएगा इट इज़ माय काइनेटिक फ्रिक्शन. नाउ हियर इन दिस एग्जांपल म्यू एस एंड म्यू के बोथ ऑफ देम आर सेम. तो काइनेटिक फ्रिक्शन की वैल्यू भी कितनी है 16 newton. तो यहाँ पे आप इसको FBD बनाओगे तो आप इसका इक्वेशन लिखोगे तो 2t माइनस 16 बिकॉज माई एक्सेलरेशन इज इन दिस डिरेक्शन विच इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन विच इज 2a. तो a की वैल्यू आ गई मेरी t माइनस 8. तो ये हो गया मेरा एक्सेलरेशन का इक्वेशन व्हेन द टाइम इज ग्रेटर देन 8 सेकंड्स. सो व्हेन माई टाइम इज ग्रेटर देन 8 सेकंड्स माई एक्सेलरेशन का इक्वेशन इज दिस. And when my time is less than 8 seconds, my acceleration is 0. So if I plot the acceleration time graph by using these two equations, तो यहाँ पे कुछ ऐसा आएगा. So this is my acceleration, this is my time. Till time t is equal to 8 seconds, my acceleration is 0. तो ये कुछ ऐसे होगा. और फिर after 8 seconds, my equation of a and t is going to be the straight line and which is going to be like this. ये होगी मेरी straight line और उसका equation होगा a is equal to t minus 8. तो ये होगा मेरा acceleration time graph का plot.